सद्गुरु कबीर कहते हैं, रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। बीजक के साखी प्रकरण की एक साखी, रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। तुम्हें रतन मिले हैं, उनको जतन से रखो। सब श्रृंगार माड़ी का है, दिखावा मात्र है। कितने लोग आए और चले गए, इसलिए यहाँ का अहंकार छूटा है। तीन बातें इसमें हैं। पहली है, रतन का जतन करो, जतन से अपने रतन को रखो। दूसरी बात है, तुम जतन जो नहीं कर पाते हो उसमें कारण है, श्रृंगार में भूल जाते हो, चमक दमक में, तो माड़ी का है। खखरे कपड़े पर माड़ी चढ़ा दी जाती है तो चिकना हो जाता है कपड़ा, लेकिन धो देने के बाद फिर खखरा। तैसे जो चमक दमक में तुम भूलते हो वो सच नहीं, धोखा। तीसरी बात साहब कहते हैं कि अहंकार लोग करते हैं, लेकिन अहंकार का आधार झूठा है। बड़े बड़े कहलाने वाले आए और चले गए, और अंत में अहंकार झूठा ठहरा। आदमी का सबसे बड़ा प्रमाद है जो ऐसे उत्तम मानव जीवन को पा करके वो जागता नहीं। इतना उत्तम जीवन पा करके वो जाग नहीं रहा है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? किसी काम का, किसी भी कर्तव्य का उद्देश्य होता है। जैसे आदमी उठा और चल रहा है तो उसका उद्देश्य होता है बाजार जाऊं, खेत जाऊं, ऑफिस जाऊं। कोई उद्देश्य ना हो तो 10 कदम इधर 10 कदम उधर चलेगा, दिग्भ्रमित जैसा। हर काम में उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य से यह काम कर रहे हो, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। पढ़ाई का उद्देश्य है कि सर्विस करेंगे या व्यापार करेंगे। विवाह का उद्देश्य है संतान होगी। खेती करने का उद्देश्य है अन्न पैदा होगा। हर काम का उद्देश्य होता है, मकसद। पूरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस बात को पढ़े बिना समझे बिना जीवन सब बिताते चले जाते हैं। बिरला कोई है जो इसको पढ़ता और जानता और इसके अनुसार काम करने की चेष्टा करता है। आपके जीवन का उद्देश्य क्यों, क्या है? कमाते क्यों है? खाने के लिए खाते क्यों हैं? जीने के लिए जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं, बस जीते हैं, रेंग रेंग के जी रहे हैं। जीने का उद्देश्य, पूरे जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, उद्देश्य प्रकृति द्वारा निर्धारित है। जैसे कोई लड़का पढ़ा तो पढ़ रहा है तो उसका उद्देश्य होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो कोई कहता है मैं मास्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई अर्थशास्त्र पढ़ता और कहता है मैं व्यापार करूंगा। तो उसको अपने तरफ से निर्धारित करना पड़ता है उद्देश्य, लेकिन पूरे जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, निर्धारित है पहचानना। व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साधु, गृहस्थ, कलाकार, सबका उद्देश्य, मानव मात्र का उद्देश्य एक है, दुख से मुलाकात न होना या अनंत सुख पाना। ये
वाक्य दो है, अर्थ एक है। कभी दुख से मुलाकात न हो, हमें दुख जरा भी पसंद नहीं है। दूसरे शब्दों में अनंत सुख, क्षणिक सुख तो सबको मिलता है, बैठे बैठे थक जाते हैं, जब चलने लगते हैं तो सुख लगता है, और ज्यादा चलते हैं तब थक जाते हैं तो बैठने में सुख लगता है, भूख लग गई है तो भोजन करने में सुख लगता है, लेकिन ज्यादा भोजन करें तो दुख पैदा हो जाता है। तो क्षणिक सुख तो आदमी लेता रहता है और इसी में भूला रहता है, ऐसा सुख जिसमें दुख कभी नहीं आए वो दुनिया में कौन सुख है? वो सुख दुनियादारी का नहीं है, वो दुनियादारी से परे है, वो संतोष का सुख है। जब सब तरफ से आदमी अपने मन को बटोर लेता है तब संतोष होता है। अब बटोर लेने की बात में भी शंका होती है, क्या खेती न करे, दुकानदारी न करे, सर्विस में है तो क्या ऑफिस न जाए, स्कूल न जाए। बटोर लेने का मतलब है तृष्णा से बटोर लेना, काम धंधे से बटोर लेना नहीं। काम तो करना है, हाँ काम करने में भी मर्यादा हो, जो अंतिम काम है उसके लिए आप समय कितना निकालते हैं, आध्यात्मिक उन्नत के लिए आप कितना समय निकालते हैं। 24 घंटे में एक घंटा दो घंटा कितना निकालते हैं? कितने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो समय निकालते होंगे, समय ही नहीं निकालते, जरूरत ही नहीं समझते, टीवी देखते हैं, अब तो गांव में भी अखबार पहुँच रहे हैं, सुबह अखबार से मुलाकात और रात में टीवी से, अखबार में इधर उधर का समाचार उसको पढ़ करके दिमाग में भरे और रात में टीवी का मवाद भर करके सो गए। आध्यात्मिक साधना के लिए समय निकालने वाले बहुत दुर्लभ हैं। जीवन अस्त व्यस्त बीत रहा और सबको अहंकार है कि हम ठीक से जी रहे हैं। अपने जीवन के असली उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई समय नहीं निकाला जा रहा। जीवन का उद्देश्य है दुख से मुक्त होना, अनंत सुख पाना। दुख क्या है? जर बुखार का दुख हो जाता है, ज्ञानी को भी हो जाता है, या और भी कोई शारीरिक व्याधि आ सकती है, कोई अपमान कर दिया, सम्मान कर दिया, सबका हो जाता है। ज्ञानी पुरुष को भी सभा में गाली देने वाले होते हैं, अकेले में नहीं, अकेले में तो होते ही हैं, सभा में ज्ञानी पुरुष को भी गाली दिया जाता है, सामने खड़ा होकर के उल्टा पलटा कहने वाले हुए हैं, लेकिन ये उनको कोई दुख नहीं। तो समझ है जिसकी जैसी कहता है। दुख है अपने मन का उद्वेग, काम एक उद्वेग है, आदमी चुपचाप बैठा है संतुष्ट है, इतने में काम विकार आ गया और उसने हटाया नहीं तो उत्तेजित होगा। ब्रह्मचर्य जीवन में इसको लिखा गया है कि ब्रह्मचर्य जीवन मैंने यही लिखा है, गुरु जी के साथ आया, हंसता उतरा और शुरू किया, यही लिखा, और यहीं से जब लौटे तो बनारस में छपा के तब बढ़ारा पहुंचे। ब्रह्मचर्य जीवन में मैंने लिखा है पहले स्मरण होता है विषयों का, फिर प्रियता होती है, फिर विकार होता है, फिर उत्तेजना होती है, फिर क्रिया होती है। ये मनोवैज्ञानिक बात है। जैसे पुरुष है तो स्त्री का, स्त्री है तो पुरुष का स्मरण होता है, स्मरण में कोई विकार नहीं होता, स्मरण हटा दो बस ठीक है, लेकिन स्मरण में प्रियता हो गई तो गड़बड़ हो गया, और उसको हटा दो तो ठीक,
अगर प्रियता नहीं हटाए तो विकार उत्पन्न होगा, मलिनता चित्त में आएगी। उसको हटा दो तो कुशल, अगर वो भी नहीं हटाए तो उद्वेग होगा। उद्वेग भी हटा दो तो ठीक, उद्वेग नहीं हटाए तो क्रिया होगी। ये क्रम है इसका। अकेले में बैठा है आदमी, मन प्रसन्न है, निर्मल है, निर्विकार है, लेकिन जब उसके मन में मनोविकार आया तो वो खलबला गया और उसे दूसरा चाहिए, परतंत्र हो गया, दुखी हो गया। ये उद्वेग, क्रोध आया तो दूसरे को नुकसान करने के लिए मन में विचार आया, ये उद्वेग। ईर्ष्या आई, किसी की उन्नत देख करके मन में जलन हो गई। इसी प्रकार के जितने उद्वेग हैं ये असली दुख है। ये दुख हमें बांधते हैं। शरीर में हमें कोई कष्ट हो जाए वो बांधता नहीं, भोग है, छीण हो जाएगा, सह लिया जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर काम उद्वेग, क्रोध उद्वेग, मोह उद्वेग, लोभ उद्वेग, द्वेष उद्वेग, ईर्ष्या उद्वेग, ये उद्वेग आते हैं तो ये मन को जलाते हैं और बंधन बनाते हैं। शरीर में व्याधि हो जाए, विवेकवान सह लेते हैं उसको, मन उनका कोई गड़बड़ नहीं होता है, मन से प्रसन्न है, सह लेंगे, वो बंधन नहीं करेगा। हाँ, उसमें भी क्षोभ हो जाए तो बंधन होगा, क्षोभ नहीं होना चाहिए। और अच्छी स्थिति का मतलब ये है कि कोई भी स्थिति आए, समता को प्राप्त हो। ज्ञान की जो पूरी अवस्था है उस समता की स्थिति है। वेद का वचन है, का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति, एकत्वम अनुपश्यति। एकत्वम का मतलब एकता का भाव, अनुनाम पीछे, पश्यत नाम देखना, तो कहीं पीछे मात्र अर्थ होगा और कहीं अर्थ होगा बारंबार। बारंबार यहां अर्थ है बारंबार एकत्व देखना, लगातार एकत्व देखना। जो लगातार एकत्व देखता है उसको शोक कहां और मोह कहां, सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, अनुकूल और प्रतिकूल, सम्मान और अपमान, सब में जो समता को प्राप्त हो जाता है उसको दुख नहीं, बंधन नहीं होता है। का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति, जो बराबर एकत्व देखता है सब में, क्षुब्ध नहीं होता है, तो उसको शोक मोह कहां है। हमारे जीवन का उद्देश्य है दुख से मुलाकात न होना, और ये हमारे वश में है। शारीरिक कष्ट तो ज्ञानी को भी आ जाए कोई बात नहीं, मन का कष्ट ना हो, मन को, मन का विकार ना हो, मन का उद्वेग ना हो, विवाद, कलह, द्वेष, ईर्ष्या, काम, मोह, लोभ, ये मनुष्य के मन को न काट पाए, ये जीवन की ऊंचाई है। लड़के बच्चे गलत हैं इसलिए हम क्षुब्ध हैं, अपनी कमजोरी है, जैसे हैं वो तैसे हैं। एक सज्जन इलाहाबाद में अफसर में एक बार आए, प्रवचन सुन रहे थे सुबह का। जब मैं उठा तो आए, कहे साहब आज तो आपने मेरे ऊपर बोला है, सब कुछ मेरे ऊपर घटता है। तो बता, पूछा क्या? मेरा लड़का क्षुब्ध हो गया, मैंने उसको कड़ा कह दिया तो और कड़ा कह दिया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। आज ही घटना, अब आपने जो कुछ कहा है सब मेरी मरम्मत हुई है। संजोग से मैं ही कह रहा था कि भाई कोई कुछ कहे सह लो, अपने से छोटा है पद में, उम्र में, तो इसका मतलब तुम उसको छोटा क्यों मानते हो, सब मनुष्य बराबर है, सह लो, प्रेम से पेश आओ, प्रतिक्रिया में न पड़ो। आप प्रतिक्रिया छोड़ दो तो वह भी सरल हो जाएगा। उसके पश्चात उन्होंने जो अपना नियम बनाया तो उस नियम से वे बहुत सुधार पाए
और उनकी पत्नी दूसरे ढंग की है, कर्मकांडी है, और वे स्वयं मेरी पुस्तकें पढ़ते हैं, इसलिए विचारक हो गए हैं, पंडित जी हैं वो। कहते मेरी पत्नी साहब बहुत देवता पूजती है, अब उसको कैसे सुधारूं। मैंने कहा देखो सहयोग कर दो उनके पूजने में, कुछ सुधारने के चक्कर में ना पड़ो, आपके विचारों से वो सुधरेंगी तो ठीक है, सहयोग करो। तो कैसा है वो भोजन बनाती हैं सुबह, क्योंकि ऑफिस जाना रहता है, और मैं उनके देवी देवताओं को धो पोछ करके फूल चढ़ा देता हूँ और बीजक का पाठ करता रहता हूँ। पंडित जी ने कहा मैं बीजक का पाठ करता रहता हूँ और उनके देवताओं को पोछ करके फूल चढ़ा देता हूँ, तो समझते हैं कि पूज रहे हैं, और मेरा तो बीजक पाठ चलता है, लेकिन ये कब तक चलेगा। मैंने कहा धीरे धीरे रास्ता मिल जाएगा। तो कहे लड़का से कैसे, कैसा है बहुत अच्छा है, अब तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ आपके कथनानुसार, बहुत शांति मिली, बहुत कुल ठीक चल रहा है। हम कहे बस अहंकार न करना, अब घर के मालिक हो, पैसा खूब कमाते हो और दबदबा है, मेरी बात माननी चाहिए, ये चलने वाला नहीं। एक थानेदार ने मुझसे कहा कि साहब मेरा लड़का कहा नहीं मानता है, एक ही लड़का है, आप आए तो सेवा खूब करेगा, लेकिन मेरा कहा नहीं मानता, फैजाबाद के थे वो। मैंने कहा उनसे आप थानेदारी झाड़ते होंगे। तो दूसरे थानेदार ने कहा अरे साहब खूब पैसा जमा किए, वो तो समझता है सब मेरा है, इनकी बात क्यों माने। तो मैंने कहा देखिए वो बाहर थानेदारी चलेगी, घर में नहीं चलेगी। लड़का तो समझता है जो ये कुछ बटोर के ला रहे हैं मेरा है। तो सब में कुछ कारण होता है तब कार्य होता है। जब ये समझो कि सब मनुष्य बराबर है, मूल रूप से कोई अपमान नहीं चाहता है, छोटा जो कहलाता है वो लौकिक दृष्टि से छोटा है। साहब ने कहा है ऊंच नीच है मध्य की वाणी, एक है पवन एक है पानी, ऊंच नीच बीच की भाषा है, मूलतः सब समान है। तो मनोविकार दुख देता है, दुख से मुक्त होना ये हमारा उद्देश्य है, सुख पाना हमारा उद्देश्य, केवल सुख मिले तो समझते हैं काम भोग में लगे रहो तो सुख है। अरे काम भोग को अगर वैज्ञानिक ढंग से देखें तो केवल संतान के लिए भोग नहीं, वेद के सब ऋषि करीब करीब गृहस्थ हैं, लेकिन किसी ऋषि ने चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है, कहा है कि विवाह विलास के लिए है, संतान के लिए है। विवाह सूक्त है वेद में, मैंने वेद में लिखा है अपने विवाह सूक्त को विधिवत। विवाह सूक्त में वर वधु का हाथ पकड़ करके कहता है कि संतान के लिए मैं तुम्हें ग्रहण करता हूं। तो प्राकृतिक ढंग से देखा जाए तो नर नारी का संबंध केवल संतान के लिए, विलास में पड़ोगे वो नुकसान करेगा, कुछ फायदा नहीं। आदत आदत बनाए रखो, उलझे रहो, मन मलिन होगा, तृष्णा बढ़ेगी, भवबंधन मजबूत होगा, तन मन क्षीण होंगे, कोई फायदा नहीं। तो काम भोग में सुख खोजते हैं, जीव के स्वाद में सुख खोजते हैं, रूप में सुख खोजते हैं, पैसा खूब जमा करने में भी सुख खोजते हैं। कुछ लोगों की आदत होती पैसा खूब जमा करो, जमा करके क्या करोगे, जमा करो खर्च करो, संग्रह खर्च के लिए होना चाहिए। कई कई आदतें हो जाती, वो आदतें खराब करती हैं। दुख से मुक्ति और अनंत सुख की प्राप्ति मानव जीवन का प्राकृतिक उद्देश्य बनाना नहीं है। हर जीव चाहता है केवल सुख मिले और दुख न मिले, लेकिन उसकी परिभाषा इतनी गलत है, हमें कोई कुछ कहे ना, हमारा कोई अपमान न करे, हमें कोई थोड़ा भी 10 से 9 न कहे, हर जगह हमारा सम्मान हो और इंद्रियों के भोग मिलते रहें, जो जो मैं चाहूं होता रहे, ये सब पागलपन के सिवा और कुछ नहीं।
बड़े बड़े लोगों का अपमान हो जाता है। पागल आदमी को कोई क्या करेगा, वो अपमान का शब्द कहेगा तो क्या करोगे। विवेकवान अभेद किला में रहता है जिसमें कोई बमबारी नहीं हो सकती। आज की बमबारी तो किला वाला कोई महत्व नहीं, लेकिन जो पवित्र मन का अभेद किला है उसमें कोई बमबारी नहीं हो सकती। ऐसा अपने को बनाओ। आंख नाक कान जीभ चाम मन बुद्धि, ये आपको रतन की तरह मिले, इसको जतन से रखो। इंद्रियों को बेजतन रखते हो। जब नशा तक सेवन करते हैं लोग, तमाकू बीड़ी सिगरेट पान सुपारी शराब कबाब, ये तुच्छ चीजों को नहीं छोड़ते तो और क्या कहा जाए। इंद्रियों को संभाल करके रखो, रतन का जतन करो। अंततः रतन आपका आत्मा है। आत्मा को जतन से रखने का अर्थ है इंद्रियों को संभालना। चित्त जैसे पुरुष शुद्ध है, वैसे जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। ये पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में कहा, जैसे पुरुष शुद्ध है वैसे जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। पुरुष नाम आत्मा, पुरुषेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में शयन करने से इस आत्मा को पुरुष कहते हैं। और इससे भी अधिक जबरदस्त अर्थ है, जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करे वो पुरुष है। पुर उष, ये दो पद मिलकर के पुरुष शब्द बनता है। पुर उष, पुर नाम आगे, उष नाम जलाना, इसीलिए उषा सूरज की आभा को उषा कहते हैं। जब सूरज उगता नहीं, उसके करीब करीब एक पौन घंटा के पहले जो आभा निकलती है पूरब तरफ, उसको उषा कहते हैं। उषा नाम जलाने वाली और उष नाम जलाना, पुर उष आगे आगे जलाना, पुरुष का अर्थ होता है। ज्ञान का प्रकाश आगे आगे करता जाए वह पुरुष है। तो जीव आगे आगे ज्ञान का प्रकाश करता जाता है, वह हरदम जानता रहता है, जानना उसका धर्म है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। तो ये चेतन आत्मा पुरुष है, जब स्वभाव से शुद्ध है, जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। चित्त की मलिनता से कष्ट होता है। सुख उद्देश्य अनंत सुख और संतोष के बिना वो कभी नहीं मिलता। अब आज अगर संतोष नहीं है तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कुछ दिन के बाद संतोष करूंगा। एक युवक ने इसी नवापारा में कहा था 77 में, अध्यापक था, 20 वर्ष की उम्र थी, 22 वर्ष की, कहा साहब मैं 80 में विरक्त होके आपके साथ चला चलूंगा। मैंने कहा बेटा जहां हो वहां काम करो, ये प्रतिज्ञा ना करो। जो आगे विरक्त होगा ना वो विरक्त होगा, जो आगे भक्ति करेगा ना वो भक्ति करेगा, जो आज भक्ति करेगा वो भक्ति करेगा, जो आज वैराग करेगा वो वैराग करेगा। तुम धोखे में हो। तो मुस्कुराने लगा। तो 21 में जब वो एक जगह मिला सकरी में, बुगुल सकरी भैंसा के पास, तो बहुत लजाया था। मैंने कहा बेटा क्यों ले जाते हैं, कुछ बोले नहीं। जब मैं प्रवचन करके बाहर गया, अंधियारा था, घूम रहा था मैदान में, वो दौड़ा गया और मेरी कमर कस के पकड़ करके जोर से रो पड़ा। मैंने कहा क्या परेशानी है बेटा। कहे साहब गत बरस शादी हो गई। हमके बड़ी खुशी हुई, चेला के साथ मुझे चेली मिल गई। अरे भाई दो धारा है, विरक्त गृहस्थ। अब वो वही, उसको तकलीफ हो रही थी कि मैंने वो कहा था 77 में कि मैं 80 में आप छोड़ के आपके पास आ जाऊंगा। तो मैंने कहा मैं तुम्हें तभी टोका था कि जो आगे बैराग करे वो कहीं बैराग करेगा, जो आगे भक्ति करे वो कहीं भक्ति करेगा।
दो वर्ष के बाद जो संतोष लेगा वो कभी संतोष नहीं लेगा। आज जो संतोष लेगा वो सब समय संतोष लेगा। आज का समय धोखा है मन का। आज संतुष्ट हो, परिश्रम करो, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। जीवन का उद्देश्य अनंत सुख की प्राप्ति है। अनंत सुख है तृष्णा का क्षय, आत्म संतोष। सारे दुखों का इसी में अंत है और इस पर आए बिना कोई सुखी नहीं होगा। और इसके लिए काम कितने लोग करते हैं। सुबह शाम बैठो अकेले में, ग्रंथ पढ़ो ज्ञान के, और चिंतन करो और ध्यान करो, और बराबर ये करो, चित्त में फर्क पड़ेगा। जीवन का असली स्वरूप, जीवन की उच्च स्थिति, उच्चतम स्थिति समाधि में प्रत्यक्ष होती है। भय मुक्त जीवन, भय से बिल्कुल रहित, कोई भय नहीं, ये समाधि में इसका अनुभव होता है। जब सही समाधि लग जाती है, समाधि वैसे जल्दी से नहीं लगती, क्योंकि आदमी रजोगुण और तमोगुण से भरा है, इसलिए उद्वेग है उसमें। जब रजोगुण तमोगुण कोई साधना द्वारा, सेवा भक्ति द्वारा काटता है, सेवा की जरूरत है। घर में रहो, सेवा परायण रहो, निठल्ले न रहो। जो बूढ़े लोग हैं उनको भी कुछ करना चाहिए। करने से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, घर वाले भी प्रसन्न रहेंगे, और करना एक कर्तव्य है। तो सेवा परायण रहो और साधना परायण रहो। सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की कि समय नहीं निकालते हो। इसमें मैं पूछना चाहूं कि कितने लोग सुबह शाम अकेले बैठते हैं एक घंटा। बड़ा मुश्किल है मिलने वाले, कोई मिलेगा। और सबको करना चाहिए। और ये बहानेबाजी बेकार है कि समय नहीं है। सबके पास समय है, समय वो लगाना कहाँ चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी बहुत व्यस्त थे, और प्राइम मिनिस्टर हो गए तब तो और व्यस्त हो ही गए, लेकिन रोज वे व्यायाम करने के लिए समय निकालते थे। समय कैसे नहीं, समय का महत्व समझो, समय मिलेगा। जब तक अकेले में न बैठोगे, अभ्यास न करोगे, तब तक फर्क नहीं पड़ेगा मन में। अपने को अकेला करो, जीव अकेला है। और अकेले में बैठ करके, अब केवल अकेले में बैठे हो, कल्पना में डूबा रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। ज्ञान का ग्रंथ सबसे जबरदस्त आधार है। मैंने तो स्वयं जो स्वाध्याय से लाभ पाया वो मैं जानता हूँ। बचपन से ही स्वभाव था अध्ययन का, बचपन से। जब मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता था, उस उम्र में घूर पर भी मिले हुए पर्चे को पढ़ डालता, चाहे वो समझ में आवे चाहे ना। मैं अपने 8-10 वर्ष की उम्र में वेद पढ़ता था। वेद क्या समझो, लेकिन पढ़ता रहता था। अब उसी में पढ़ते पढ़ते कुछ समझ नहीं माने लगा। तो अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें। चिंतन और मनोविलास में फर्क है। मनोविलास का अर्थ है मैं जवान हूँ, सुंदर हूँ, दुनिया के ऐश्वर्य मेरे हैं, मैं भोगों में प्रवीण हूँ, मेरे लिए सब कुछ है। ये मनोराज, ये मनोविलास है, ये नरक का घर है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, किसी के साथ कुछ नहीं है, अंत में सब छूट जाने वाला है। इन वास्तविकताओं को सोचना चिंतन कहलाता है। चिंतन से मन का बंधन कटता है, और समाधि में पहुंचने पर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का अर्थ है जो जैसे है उसको वैसे ही समझना। जब समाधि लगती है ठीक से, समाधि लगने का अर्थ है संकल्प शून्य हो जाना, कुछ न सोचना, तब जीवन की असली स्थिति का अनुभव होता है। भय सब समाप्त हो जाता है। जीवन भर जिसको हम माने रहते हैं उन्नति, अंत में वो झूठ ठहरती है, लेकिन तब कुछ करने का अवसर नहीं रहता है।
बहुत धन, बड़ा सम्मान, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा पद, अंत में वे सेमल के फूल सिद्ध होते हैं, कुछ उसमें नहीं रहता है। उन्हीं में लगे लगे रत्न का समय हमारा नष्ट हो जाता है और विकारों का जखीरा इकट्ठा हो जाता है चित्त में और पीड़ित होते रहते हैं। बाहर उन्नत करते हैं, भीतर पतन करते हैं। बाहर चमकाते जाते हैं, भीतर काला होता जाता है। बाहर से भरे भरे हैं, भीतर से खाली खाली हैं, क्योंकि असली काम नहीं किया जा रहा है। रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। साहब कहते तुम्हारा श्रृंगार माड़ी का, जवानी कितने दिन की है। जैसे धो देने पर कपड़ा खखरा हो जाता है, चमकते हुए जवान थोड़े दिन में खखरे हो जाते हैं, आंखें बैठ जाती हैं, मोटी मोटी नसें निकल आती हैं, चेहरा अनसुहाता हो जाता है, सुंदर दंत पंक्ति सुंदर नहीं रह जाती, सब कुछ बिगड़ता है। सारा श्रृंगार माड़ी का है। वेद के ऋषि ने भी कहा, हिण मैन पात्रण सत्य श्यापितम मुखम तत्तम भूषण पाविण सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण मैन पात्रण, हिरणमय पात्र से, सोने के समान चमकते हुए बर्तन से, हिरणमय ऋषि ने कहा। हिरण केवल नहीं कहा, हिरण नाम सोना, हिरणमय सोने के समान। सोना है नहीं, पलटू साहब ने लिखा, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। देखने में सोना लगता, सोना है नहीं, चमक दमक लगती है लेकिन है नहीं, क्षणिक है, थोड़े समय में वो खो जाएगा। जो अपने बच्चे जिनको हजारों बार हमने चूमा, वही पास में बैठता नहीं, बोलता नहीं, बात नहीं करता है। कहीं कहीं बच्चा ठीक होता है, पिता ही समझते हैं कि यह नालायक है, इसलिए और असंतोष हो जाता है। दोष दोनों तरफ से हो सकता, कहीं से हो सकता है। शिष्य गलती करता, गुरु भी गलती करे तो क्षमा नहीं हो सकती। शिष्य की गलती तो क्षम्य भी है, गुरु की गलती कैसे क्षम्य हो सकती है? गुरु को तो गलती नहीं करना चाहिए। कहीं भी हो, तकलीफ कहाँ शुरू होती है? न समझने से। गन्ना में रस होता है लेकिन गांठ में रस नहीं होता है। जहां जहां गांठ होगी रस नहीं। हमारे जीवन में जहाँ जहाँ विरसता है वहाँ गांठ है, अहंकार है, हमारा अहंकार है। चमक दमक झूठी है। हिरणमयन पात्रण सत्यस्यापहितं मुखम, सत्य का मुख अपहित ढका हुआ है सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से। झूठी चमक दमक से सत्य का मुख ढका है। सत्य है आत्मा, सत्य है पवित्र रहनी, और इसका मुख ढका है झूठी चमक दमक से। तत्त्वम पूषण पावरण, तत्त्वम पूषण अपावरण, तत्व से तुम तू पूषण, पोषण करने वाले को पूषण कहते हैं। सूरज को पूषण कहा जाता है क्योंकि सारी सृष्टि का पोषण करता है, किरणों द्वारा सृष्टि को मजबूत करता है, पकाता है, और किरणों द्वारा ही पानी को ऊपर उठाकर बादल बनाकर बरसाता है तो सृष्टि हरी भरी होती है। इसलिए सूरज को पोषण कहा गया है। किंतु हमारे जीवन में पोषण कौन है? आत्मा। सारे ज्ञान विज्ञान का पोषक कौन है? आत्मा। आत्मा पोषण है। ऋषि कहते हैं तत्त्वम पोषण अय पोषण, अय ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला आत्मा, तत्त्वम अपाविरुण उसे तू हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए। सत्य आत्मा है, धर्म पवित्र रहनी है। कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूले आन। जिसको सत मिल जाता और सुकृत मिल जाती वो फिर भटकता नहीं। सत है स्वरूप बोध, सुकृत है पवित्र रहनी। भटक रहे हैं हम, कुछ पता नहीं कि हम कौन हैं,
जीवन का लक्ष्य क्या है, रेंग रहे हैं, आज कर्म में मर गए, भटकते रहे, भटक रहे हैं। आप शुद्ध बुद्ध चेतन है, परम तत्व है, ब्रह्म ईश्वर परमात्मा, खुदा गाड शब्दों से, परम तत्व शब्दों से जो व्यक्त किया गया है वो आप ही का स्वरूप है। आपके अलावा कोई परम तत्व हो सकता है? धर्म के क्षेत्र में ये बड़ा अनर्थ किया गया है कि जीव तो तुच्छ है, जीव तुच्छ है तो श्रेष्ठ कौन है? जीव तुच्छ नहीं, जीव ही ने सारे ज्ञान विज्ञान की खोज की है। जीव तुच्छ नहीं है, जीव ही महान है। ये मनुष्य जीव ही ने सारे शास्त्रों की रचना की है, सारे ज्ञान विज्ञान का विकास किया है, सारे देवी देवताओं का सृजन किया है, सारे ईश्वर भगवानों की कल्पना की है। ज्ञान विज्ञान कह देने से जहां तक मनोव्यापार का विषय है सब आ जाता है, और ये मनुष्य का रचा हुआ है। इसलिए मनुष्य बड़ी हस्ती ज्ञान की क्या हो सकती है? लेकिन आदमी ने स्वयं अपने अज्ञान से दुर्भाग्य पैदा किया कि जीव तो तुच्छ है, मनुष्य तुच्छ है। ये समझो कि आप महान हैं, आप शुद्ध बुद्ध चेतन हैं, अमर आत्मा है, आप में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं। ये बनाया गया है संताप, मान मान करके चारों तरफ आसक्ति बना बना करके संताप पैदा किया गया है, और इस संताप को आप ही को मिटाना है, कोई मिटाने वाला नहीं है। गुरु प्रत्यक्ष है, संत प्रत्यक्ष है, लेकिन वे भी केवल राय देंगे, उपदेश देंगे, करना पड़ेगा आपको, दवाई आपको खाना पड़ेगा तब रोग दूर होगा। आपके लिए कोई भोजन बना सकता लेकिन खाना आपको पड़ेगा। आपके सिर पर बोझा है कोई ले सकता है, आपका सर हल्का हो गया लेकिन आपके मन में राग द्वेष है वो कैसे कोई ले लेगा? बताएगा, उपदेश करेगा, उसके उपदेश से आपको हल्का करना पड़ेगा। विपत्ति हम अपनी काहे सुनावे, सद्गुरु विशाल साहब ने कहा है, निज कर सब दुख उत्पत्त कीने नहीं कोई और बनावे। अपने हाथ से हमने सारा दुख उत्पन्न किया है, हमारा दुख किसी ने बनाया नहीं, हमारा बनाया। अपने जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, कहां रोग कहां औषधि कैसे मिले आनंद, ये श्री निर्मल साहब ने कहा, सभी संतों ने कहा है, सबका ये अनुभव है। हमारा अपना बनाया दुख है और हमें भी उसको मिटाना है। तो रतन का जतन करो, ये रतन शरीर इंद्रिय और मन आपको मिले हैं, जतन से रखो। जतन से न रखोगे तो इन्हीं द्वारा आपको फांसी लगेगी। जिससे मोक्ष मिलना है वही आपके लिए बंधन का कारण बनेगा। अपना मन, अपनी इंद्रियां अपने शत्रु बन करके बैठ जाएंगे, हमारे अपने दुष्कर्म हमारे गले की फांसी बनते हैं, हमारे अपने सत्कर्म हमारे कल्याण के साधन बनते हैं। इसलिए अपने पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने को संभालो, सुबह शाम समय निकालो, एक एक घंटा दोनों टाइम निकालो, बहुत अच्छा। कोई बहुत व्यस्त हो आधा आधा घंटा निकाले, इसके लिए आधार बनावे अध्ययन चिंतन और ध्यान का, तो प्रगति निश्चित ही होगी। माड़ी का श्रृंगार सब श्रृंगार माड़, जिसमें लुभाते हो किसी का रहने वाला नहीं। अभी हमारे मुख्य गुरुजन थोड़े दिन में चले गए, सदगुरु विशाल साहब के गए तो थोड़ा ज़्यादा समय हुआ, लेकिन बुरहानपुर के साहब हमारे गुरुजी, बाराबंकी के साहब श्री प्रेम साहब, ये सब मुख्य मुख्य गुरुजन थोड़े दिन में आगे पीछे चले गए, उनका क्या रहा? ग्रस्त लोग जाते हैं, विरक्त लोग जाते हैं, जिन्होंने कामना का त्याग किया, आत्मशांति पाई, वो तो धन्य हो गए। जाना तो सबको है, चाहे सिंहासन पर बैठ करके जाए, चाहे जंजीर में बंध के जाए, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर,
एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर, जंजीर में बंध के न जाओ। अभी मरने का समय आ जाए और मन व्याकुल हो जाए तो जंजीर में बंध गए, मरने का समय आए तो लगे ही ना कुछ हो रहा है, मरना तो कुछ है ही नहीं, सांस आती जाती टूट जाए बस खत्म। मैं जहां कहता हूं, मैं जो हूं सो हूं, मेरा छुटता क्या है? मेरा कुछ छुटना ही नहीं, जो मेरा है छुटता नहीं, जो छुटता है वो मेरा नहीं। संग चले जो सो धन है संतो, छूट जाए सो माया। अब इन सब बातों पर जब बराबर चिंतन करे, मनन करे, सोच करे, तब मन में लकीर पड़े तो पुराना अध्यास कटे, आध्यात्मिक उन्नति हो। सोचते ही नहीं, बस सुबह अखबार, कितने लोग तो अखबार में दो दो घंटे लगे रहते हैं, और रात में टीवी, दोनों भयंकर नुकसानदेह। व्यवहारिक लोगों को अखबार पढ़ना चाहिए, ठीक है थोड़ा पढ़े, और टीवी वो भी कोई खास चीज, कोई ज्ञान की बात हो, कुछ समाचार हो, थोड़ा देख सुन ले। ज्यादा साधक को तो उसकी भी जरूरत नहीं है, जो साधना परायण हो, गृहस्थ लोग हैं, साधना परायण हैं, तो टीवी सीवी से कुछ जरूरत नहीं। लेकिन टीवी ने आजकल भयंकर नुकसान, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान, और ये बूढ़ों के आचरण और व्यवहार और मानसिक विकारों के लिए साधन बना है, आध्यात्मिक उन्नत का नुकसान है। वो हितकर चीज है, लेकिन हितकर कहाँ लोग कर पाते, अहितकर करते, समय बर्बाद करते। अपने को संभालो। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। किसका अहंकार आपको है, आपका क्या है? अकेले में बैठ के सोचो, अगर आप स्थिर होके सोचेंगे तो लगेगा हमारा एक कण भी इस दुनिया में नहीं, और ये गूढ़ तत्व नहीं है। आत्मा विषय में तो गूढ़ तत्व है, स्वयं को समझना मुश्किल होता है, दूर की चीजें दिखती हैं, निकट की नहीं। हम अपनी आंखों से चांद सितारे को भी देखते हैं, यहां से तो हिमालय नहीं दिखता, लेकिन अवध क्षेत्र से हिमालय की पट्टी पूरी दिखाई देती है, वहां से बहुत नजदीक हो जाता है। तो चांद सूरज तो बहुत दूर है, लेकिन हम आंख से देखते हैं, लेकिन आंख में लगे हुए कज्जल को हम नहीं देखते हैं। आंख में ही जो पास में पलक है, भौं है, इसको नहीं देखते हैं, क्योंकि अति निकट है। आत्मा तो स्वयं है, उसको कैसे देखें? एक प्रवक्ता संत ने मुझसे कहा, महाराज जैसे देह प्रत्यक्ष दिखाई देता, आत्मा क्यों नहीं दिखाई देता? तो मैंने कहा, ये बोलता कौन है, कौन पूछ रहा है? आत्मा ही तो, क्या आप नहीं हैं? आप अपने ऊपर लौटिए कि कौन देह को देखता है। देह का देखना छोड़ो, अपने में आ जाओ, समाधि में फिर अनुभव हो जाएगा। तो समाधि में तो लोग जाना नहीं चाहते, बुद्धि द्वारा आत्मा को देखना चाहते। जब सब देखना बंद होता है तब आत्म साक्षात्कार होता है। संतोष सहज समाधि भली, जो सदगुरु ने कहा, या सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, तो आपका सहज स्वरूप क्या है? चेतन। चेतन मात्र रह जाना सहज समाधि। यही बात श्रुति कहती है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्ट तामाहु परमाम गतिम। पांचों ज्ञान इंद्री, मन और बुद्धि जब शांत हो गए तो ये परम गति है। कुछ पाना नहीं है, पांचों ज्ञान इंद्रियां मन और बुद्धि शांत हो जाए। यदा पंचावतिष्ठन्ते, यदा नाम जब, पंचावतिष्ठन्ते पांच अवतिष्ठित स्थित, वो आंख नाक कान जीभ चाम है, मनसा सह मन के सहित, बुद्धिश्चा और बुद्धि भी न विचेष्टित नहीं चंचल होते हैं, ताम उसे आहो कहते हैं परमाम गतिम परम गति। पांचों ज्ञानेंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, बुद्धि वितर्क से रहित शून्य शांत, ये परम गति है। तो कुछ पाना परम गति नहीं है, स्थिर हो जाना।
अपने आप में तृप्त हो जाना परम गति, यही उच्चतम स्थिति है मनुष्य की, आत्म संतुष्ट हो जाए। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। साहब ने कहा अगर तुम मुझे चाहते हो तो जैसे मैं निष्काम हूं वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। तो कामना के बस तुम दरिद्र बने रहते हो, कामना छोड़ दो दरिद्रता खत्म। ये कोई साधु के लिए उपदेश ऐसी बात नहीं है, जो अनंत सुख चाहे उसी के लिए है। गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो अपने जलते हुए चित्त को शीतल कर देना चाहता है, जो अगाध अमृत सागर में निमज्जन करना चाहता है, उन सब के लिए उपदेश यही है, कामनाओं तृष्णाओं को छोड़ करके आत्म संतुष्ट हो जाना। साहब कहते हैं आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। जितने जीव आए फिर गए, बड़े बड़े फिर गए। सिकंदर चला यूनान से, एथेंस नगरी से, आज से 2300 वर्ष पूर्व। फिलिप्स उसका पिता था, वो जब किसी पर विजय करके आता था तो सिकंदर उदास हो जाता था, और लोग तो जश्न मनाते थे और उसकी महिमा गाते थे और सिकंदर उदास हो जाता था। तब फिलिप्स ने एक बार कहा कि बेटा मैं विजयी होकर के आता हूँ तो तुम उदास होते हो, ये कैसे अशुभ की बात करते हो। उसने कहा कि आप ही सब जीत लेंगे तो मैं क्या करूँगा। इतनी हविष उस उम्र में थी, छुटपन में। संयोग से वो थोड़े दिन में पिता मर गया, तो एकदम तरुणाई में ही तो ये विश्व विजय के लिए निकला है। डायोनीज नाम का एक संत कहीं वहीं पास में रहता था, उसके पास गया। कुछ ठंड का महीना था, गया, नमस्कार किया, खड़ा हुआ, कहा मैं विश्व विजय के लिए चलने वाला हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। तो डायोनीज ने कहा कि विश्व विजय करके क्या करोगे। कहे तब सुख से रहूँगा। डायोनीज ने कहा मैं तो सुख से हूँ, आ जाओ मेरे पास, विश्व विजय करने की जरूरत नहीं। इसका प्रभाव उसके ऊपर मन पर बहुत पड़ा। फिर तो उसने कहा कि कुछ सेवा बताइए मेरे लिए। कहे धूप लिए खड़े हो, हट जाओ, बस यही सेवा है। तो इतना निष्काम पुरुष और निर्भय पुरुष का वचन उस पर बहुत प्रभाव किया। जब लौटा तो मंत्री से कहा कि अगर मैं साधु बनूंगा तो डायनीज तरीका बनूंगा, और नहीं तो विश्व विजयी बनूंगा। तो विश्व विजय के लिए निकला, साधु तो नहीं बन पाया। और लड़ते लड़ते आ करके हमारे देश के पश्चिम उत्तर कोण पर पुर नाम के राजा से लड़ाई हुई। हमारे देश के पुर नाम के राजा थे, उनसे लड़ाई हुई, पुर यद्यप हारे लेकिन सिकंदर की सेना भी थकी और उसने लोहा डाल दिया, और अंत में लौट जाना पड़ा और रास्ते में मर गया। इकट्ठे कर जहां केजर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अहंकारी आदमी को अंत में पछतावा होता है तो कुछ कर नहीं पाता है। बहुत धन बटोरा, कुछ लोगों को धन बटोरने का नशा चढ़ जाता है और रो के उनको जाना पड़ता है। कुछ लोगों को परिवार बढ़ाने का, कुछ लोगों को सम्मान पद प्रतिष्ठा की ख्वाहिश, कोई कोई सनक होती है और ये सनक पीछे पीड़ा देती है मरते समय कि अपना काम नहीं किया है, धोखे में गया, और सब धुल जाता है, कुछ नहीं रह जाता किसी का। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। साहब ने अपने नाम को अन्य पुरुष के रूप में अनेक बार प्रस्तुत किया है। यहां कबीरा से अर्थ मानव मात्र, प्राण मात्र के लिए उन्होंने प्रयुक्त किया। इस संसार में मनुष्य आए और चले गए, अहंकार झूठा है, इसलिए रतन का जतन करो। अपने जीवन के लक्ष्य को समझो। जीवन का लक्ष्य है अनंत सुख की प्राप्ति, और अनंत सुख संसार की चीजों में कहीं नहीं है। ये तो आदि अंत वाला सुख है, और वो सुख ही व्यामोहित करता है। जो दुनिया का सुख है उसी में हम व्यामोहित होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है, और आध्यात्मिक स्तर से हम गिरते हैं। इसलिए ये सुख नहीं, ये दुख है।
इसीलिए विवेकवान इसे वितृष्णा करते हैं, भोगों से अपने को ऊपर उठा लेते हैं, चाहे गृहस्थी में हो चाहे कोई विरक्ति में हो। भोगों से ऊपर उठे बिना साधना का मतलब क्या है? साधना का अर्थ ही है भोगों से अपने को ऊपर उठाना। जो निरर्थक क्रियाएं हैं वे भोग हैं, जो शरीर के जीवन की रक्षा के लिए वे भोग नहीं, जैसे खाना पीना, सांस लेना, जागना, सोना, काम धंधा करना, ये शारीरिक क्रियाएं ठीक है। लेकिन जो आदतन है, अहंता ममता पूर्वक इंद्रिय और मन को विकृत करने की आदत, ये भोग है, यही जीव को बांधते हैं। और रतन का जतन करना यही है, अपने मन इंद्रियों को संभालना। रहो संहारे राम बिचारे, कहता हूँ जो पुकारे हो। साहब कहते मैं पुकार के कहता हूँ, तुम अपने को संभालो और राम का विचार करो। अपने को संभालने का अर्थ है अपने मन इंद्रियों को संभालो, और राम का अर्थ यानी आत्मा का विचार करो। अपने मन को दुनिया की वस्तुओं पर टिकाओगे तो मन में विकार पैदा होगा, राम में टिकाओगे तो शांति होगी। राम है आत्मा, आत्मा में बारंबार मन को नियोजित करो, आत्मचिंतन करो। लेकिन आत्मचिंतन का बल जिससे मिलता है वो बल वाला काम नहीं करते। इसलिए आप लोगों से मेरी अपील है कि सुबह शाम समय निकालो, अकेले में बैठो, अध्ययन चिंतन और ध्यान करो। एक भक्त ने जो बताया था वो मुझे ऐसे प्रसंग में बराबर याद आती है, और भक्त का नाम भी भूल गया और स्थान भी भूल गया, काफी दिन हो गए। वो कहे साहब मैं रात में जब सोने चलता हूँ तो आपका कैसेट लगा देता हूँ और बंद कर देता हूँ। सुबह जैसे नींद खुलती है मेरी उंगली बटन पर जाती है, उसके दबा दिया, बस आपका प्रवचन शुरू हो जाता। फिर मैं कुल्ला करता हूँ, पानी पीता हूँ, टट्टी करता हूँ, मंजन करता हूँ, स्नान करता हूँ और प्रवचन सुनता रहता है। इसमें सब एक घंटा बीत जाता है, तो एक घंटा तो ये सब काम करते हुए भी प्रवचन भी सुनता रहता हूँ, तो ये हमारे में मधुरस अपने आप उतरता रहता है। जब स्नान कर लिया तब ध्यान में बैठता हूँ, तब उसको बंद कर देता हूँ। तो जितना बन सकता ध्यान करता हूँ, ध्यान के बाद तब अध्ययन करता हूँ, अध्ययन के बाद तब उठ करके जलपान, फिर ऑफिस जाता हूँ। अब उन्होंने ऐसा बना लिया तो एक जो घंटा है पहले वाला तो काम भी करते गए, और एक घंटा तक अगर अच्छे विचारों को हम श्रवण करें कितना लाभ होगा। दूसरे लोग भी हैं, सर्विस वाले हैं, खेती वाले हैं, व्यापार वाले हैं, कुछ नहीं करते हैं, उस समय उनका बीत जाता है, तो मन में कबाड़ इकट्ठा होगा। कबाड़ इकट्ठा होने के साधन आपको नींद खुलते ही सर्वत्र उपलब्ध है। कहीं पत्नी ने कुछ ठीक नहीं किया, गुस्सा आ गया, कहीं नौकर पर आ गया, कहीं मोह उत्पन्न हुआ, कहीं काम उत्पन्न हुआ, कहीं लोभ उत्पन्न हुआ, तो जो जगत प्रपंच है वो तो नींद खुलते ही सामने है, और मन प्रपंच है अंदर से वो जाग करके खड़ा हो गया। तो कबाड़ आने का की संभावना सर्वत्र है। निर्मलता आए इसके लिए तो जब अभ्यास करेंगे तब होगा, अब अभ्यास करते ही नहीं तब कैसे काम बनेगा। बस जिंदगी बीतती जाएगी, और कभी संत की वाणी सुने तो महसूस हुआ, कभी कोई तकलीफ हुई तो महसूस हुआ, और अंत में मरते समय पछता के चले गए। इसलिए पहले काम करना शुरू, रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। मन और इंद्रियां रतन है, इनको जतन से रखो, खराब न करो। जतन यतयः क्षीण दोषा, श्रुति वचन भी है, यतयः क्षीण दोषा। यतन करते करते दोष क्षीण होते हैं, साधना करते करते मन के बंधन कटते हैं, एक लागे नहीं कटते। रोज सोचो, रोज विचारो, अपने दुर्गुणों पर कोप करो, क्रोध करो, क्यों होते
प्रथम साधना में मनोविकार जब मेरे मन में आवे, एक दिन मेड़ पर चलते चलते जोर से कोप किया मन पर, ये मनोविकार क्यों आते हैं, ऐसा ब्रेक लगा। उसके बाद तो इतनी बढ़िया साधना फिर चलने लगी। क्या पूछना, अपने को देखना है अंदर। जब तक अपने को न देखोगे वो दशा नहीं आएगी, और पूरी स्थिति में ऐसी दशा हो जाती है कि नींद खुली और रात में सोए, बीच में पूरा मन निर्मल, ये पूरी अवस्था है, पूर्ण अवस्था है, पूरी जागृत निर्मल मन। सावधान इसमें भी रहना है, क्योंकि मन इंद्रिय शरीर संसार सामने है, तो सावधान तो उस समय भी रहना है। लेकिन ये सुबह अवस्था है, ये मनुष्य की बस की बात है। आप कल्पना करो, आपके मन में क्रोध, काम, लोभ, मोह नहीं उठते हैं, उद्वेग नहीं आते हैं, कोई तृष्णा मन में नहीं आती है, कितना सुख होगा। अमृत की धारा अंदर में बहेगी, अगाध अमृत की प्राप्ति यही है, सुधा यही है, मधु यही है। भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न ढंग से कहा गया है, बाहर अमृत कहीं नहीं, जहर है, अमृत नहीं, जिससे खा करके आदमी मर जाए ऐसा जहर है, अमृत नहीं कि खा करके अमर हो जाए। अगर अमृत है तो व्यवहारिक दृष्टि से अन्न अमृत है, अन्न के बिना, अन्न का अर्थ है भोजन, उसके बिना नहीं चलेगा। और भी व्यवहारिक ढंग से मीठे वचन अमृत है, मीठा वचन बोलो सब तरफ सुख होगा। आध्यात्मिक ढंग से अंततः संतोष अमृत है, जिसके मन में पूरा संतोष आ गया, अमृत हो गया, तृप्त हो गया। तो हम और आपको चाहिए कि रोज समय निकालें, नियमित समय निकाल लो। अपने घर में एक जगह ऐसी बनाओ जहाँ हवा प्रकाश हो, वहाँ ग्रंथ रखो, आसनी रखो, और सुबह उठ करके वहाँ अगरबत्ती जला लो, सुगंधी हो जाए, और ध्यान में बैठो, चिंतन करो, अध्ययन करो। अपनी सुविधा के अनुसार नहा के न कर पाओ, ऐसी सुविधा न हो शरीर की, तो पहले करो, पहले ध्यान कर लो तब नहाओ, जैसे भी हो। रोज अध्ययन, ध्यान, चिंतन, ये तीन के लिए समय निकालो। सदग्रंथ कुछ समय पढ़ो और वास्तविकता पर सोचो और ध्यान करो। ध्यान न लगे कोई बात नहीं, करो, न लगते हुए करो तो आदत बनेगी, तो थोड़ा लगने लगेगी। कभी कभी जब आपको आधा मिनट भी ध्यान लग जाएगा तो उसका सुख आपको बहुत खींचेगा और बढ़ता जाएगा। लगन से कोई करे तो साहब की ये वाणी याद करें, रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। मन इंद्रियां रतन है, इनको संभाल के रखो, जतन से रखो, और तभी आत्मा को स्थित मिलेगी। और जिसमें भूलते हो श्रृंगार माड़ी का है, चार दिन की चमक है, फिर अधेरी रात, भूलो मत। आप नहीं, हम नहीं, बड़े बड़े नामी ग्रामी आए और चले गए, यहाँ का अहंकार झूठा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को